بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. मम्मी फलां चीज की कमी है, क्या कमी है, जा अपने बाबा से लेकर आ। झगड़ा 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 एकदम रगड़ा बन गया। आदमी करे तो क्या करे, इधर है तो माँ है, इधर है तो बीवी है, बेचारा आदमी बीच में पिस रहा है, करे तो क्या करे। माँ के साइड में बोला तो बीवी बोल दी अच्छा तो शादी काहे की है, और अगर बीवी की तरफ कुछ हुआ झुक गया तो जोरू का गुलाम हो गया, बीवी का नौकर हो गया। मेरे भाई सुधार की यहाँ जरूरत है। मैं सीधे सीधे फजीलत शेख सनाउल्लाह मदनी हफिजुल्लाह व तवल्ला को बहुत इज्जत और एहतराम के साथ आवाज देना चाहता हूं कि आए और अपने खिताब से तमाम सामईन को मुस्तफीद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफा व सलाम अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ्फा व ला तत्तबिउ ख़ुत्वाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। रब्बि इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, सुभानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد। उलमा इकराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों और ख्वातीन इस्लाम, मैंने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 208 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से मेरी तकरीर का उनवान है आओ समाज को बना ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बे इंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप यहाँ जमा है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। अल्लाह मुझे हक बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे, आमीन। आप लोग जितने लोग यहाँ आए हुए हैं सब लोगों को 5 इनाम मिल गया। कितना इनाम मिला भाई? 5। सब लोग यहाँ से 5 इनाम लेके जाएंगे। सब लोग, नंबर 1 शांति, अल्लाह की रहमत ढांपे हुए है। नंबर 2 फरिश्ते सब लोगों के पैर के नीचे अपना पर बिछा दिए। देखिए अपने आपके पैर के नीचे है पर बिछा हुआ, सा 3 चीज है। चौथा इनाम वज़करहुमुल्लाहु फीमन इंदा, और अल्लाह ताला जहां अपनी मजलिस लगाए हुए हैं सब लोगों का नाम ले रहे हैं। अपने नाजिम साहब ने चंद लोगों का नाम लिया, फलाने साहब, फलाने शेख साहब, तो अंसारी साहब, चंद लोगों का नाम लिया। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया हम लोग भी तो बैठे हुए तो हमारा भी तो नाम लीजिए। आप लोगों का नाम अल्लाह ले रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है या मौली साहब नाम लेते तो ज्यादा अच्छा है? बोलिए, मेरी उर्दू नहीं समझ में आ रही है। अरे अल्लाह आप लोग सबका नाम ले रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है या मौली साहब गिनाते खड़े बैठते एक आध घंटा लग जाता वो ज्यादा अच्छा है? बोलिए, अल्लाह नाम ले रहा। पांचवा इनाम जो है आप लोग खाना खाए कि नहीं खाए? खाना खाए ना, यहाँ के लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह खिलाया है, बड़े मेहमान नवाज है। कभी अल्हम्दुलिल्लाह भी जोर से तो बोला कीजिए, बोल ही नहीं रहे, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरा उनवान है सुधार लो, सुधार पैदा कर लो। अपने भारत देश में अभी चंद दिनों में बड़ा मसला हो रहा है। मिसाल के तौर पर प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेक इन इंडिया, लेकिन अभी क्या चल रहा है? रेप इन इंडिया। अरे अरे हंस रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा मेक इन इंडिया और भारत में क्या चल रहा है? रेप इन इंडिया। माना क्या इसका?
मेक इन इंडिया का माना है भारत को बनाओ, रेप इन इंडिया का माना है इंडिया को रेप करो। इंडिया में रेप हो रहा है, पूरी दुनिया में अपना भारत देश बदनाम हो रहा कि नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब नारा बदल गया, अब विधायक को बचाओ बेटी को मरवाओ। लग रहा मेरी उर्दू नहीं समझ में आ रही आप लोग। विधायक को बचाओ और बेटी को मरवाओ। कश्मीर के अंदर आसिफा नाम की 8 साल की बच्ची के साथ सात हैवानों ने नहीं शैतानों ने जो रेप किया और टुकड़े टुकड़े करके और सर को पटक के जो मार डाला, मालूम है आप लोगों को? जानते हैं क्या हो रहा है अपने भारत देश में? इसलिए तो कुछ लोग मजाक उड़ाते रेप इन इंडिया, मेक इन इंडिया का ख्वाब खत्म हो गया। और रेप करने वाले 7 लोग थे, उसमें पुलिस वाले भी थे, और मंदिर के अंदर ले जाके रेप किए। मंदिर के अंदर क्या हो रहा है भारत देश में? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? और बचाने के लिए 2 बीजेपी के विधायक उठे जो थे, आगे आगे आए, बिलाखिर इस्तीफा दिए। अरे वो कला लोग, लायर लोग, जो वकील साहब होते वो लोग खड़े हो गए। जब अपने भारत देश में मजलूमों का साथ देने वाले नहीं रहेंगे, जालिमों का साथ दे रहे हैं, तो भारत बनेगा? भारत टूट जाएगा। मुली साहब ने एक शेर कहा तो आप लोगों ने ताली मारी, मैंने समझाया तो एक ने भी ताली नहीं मारी। नहीं ताली मरवा, नहीं प्लीज प्लीज ताली मत मारिएगा, मेरी बात में ताली मत मारिए, अमल करना है। ताली मत मारिएगा, ताली मत मारिएगा भाई। ताली थैली थाली खाली उससे कुछ नहीं होता, इन नारों से क्या होगा? नारों से कुछ नहीं होता मेरे भाइयों, सुधार की जरूरत है। सुधार, हिंदू एकता मंच बना, लोग आए, जो लोग जिन लोगों ने रेप किया उनको बचाने के लिए, भाई FIR दर्ज करने के लिए पुलिस आई, बोले नहीं करने का। क्या हो रहा है हमारे खूबसूरत भारत में कि जालिमों का साथ दिया जा रहा है, मजलिमों का नहीं? जो औरत उस लड़की की तरफ से वकील है, लड़ रही है, उसको भी धमकी दी जा रही है कि तुम्हारा भी रेप कर देंगे, तुम्हारे बच्चों का भी मसला हो जाएगा। क्या हो रहा मेरे भारत देश में? आखिर ये हिम्मत कैसे पैदा हुई है लोगों को? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा क्या है? समझ रहे मेरी उर्दू? क्या हो रहा मेरे भाइयों? इसलिए हमें और आपको ये सब मौके पर इस्लामी जो तौर तरीका है लोगों के अंदर रखना है, बताना जरूरी है। पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ, पूरी दुनिया में, कि ये भारत देश में क्या हो रहा है। आइए मुझे कहने दीजिए अपने भारत में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? सलीम बाबू को जानते हैं? कितना लोग सलीम बाबू को जानता है भाई? सलीम शेख को जानते हैं? सलीम ड्राइवर को नहीं जानते? जानते हैं? एक दो, अच्छा ठीक है, 3 4 बताते हैं। रुके रुके बता रहे। सलीम शेख ड्राइवर थे जब कश्मीर के अंदर, कौन सी यात्रा थी भाई? कौन सा? यात्रा में दूसरे लोगों ने, दुश्मनों ने हमला किया, जो हमला गलत था। सलीम शेख, मेरे भाइयों, इस्लाम यही दर्श देता है। मैं ये बताना चाहता हूं ये मिसाल देखकर, आपने कभी बदला नहीं लेना। आप इस्लाम के बारे में लोगों को बताते रहिए, उस पर अमल करके दिखाइए, मेरा ये कहना। सलीम शेख, गौर से सुनिएगा, सलीम शेख अकेला ड्राइवर अपनी जान पर खेलकर 50 हिंदू भाइयों को, ये भारत के रहने वाले थे, बचाया है। आपने नाम सुना है? नहीं सुना? 50 लोगों को बचाया। एक और सुनिएगा, चेन्नई के अंदर जब फ्लड आया, पानी आया, सैलाब आया,
एक हिंदू औरत डूब रही थी, गर्भवती महिला। गर्भवती महिला का मतलब है जिसके पेट में बच्चा है, डूब रही थी। बचाने के लिए एक नौजवान कूद गया। उस नौजवान को दुनिया किस नाम से याद करती है? अच्छा, आप लोगों को सिर्फ खान साहब का नाम याद है? सिर्फ खान साहब का नाम याद है? ये नाम पूछ रहा हूं दोनों याद। अरे जिस नौजवान ने अपनी जान पर खेल कर उस हिंदू औरत को बचाया है, उस नौजवान को कहते हैं यूनुस। मैं आप लोगों में से यूनुस को देखना चाहता हूं। मैं आप लोगों में से सलीम शेख को देखना चाहता हूं। उस औरत ने जब बच्चे को जन्म लिया, जब बच्चा पैदा हो गया, तो उस औरत ने, हिंदू औरत है, अपने बेटे का नाम क्या रखा? यूनुस। मुस्लिम नाम रखा। मेरे भाइयों, दूसरे लोग कहते हैं कि मुसलमान ये करें। आइए मैं क्या मिसाल दूं, आइए मैं ये भी मिसाल देता हूं मेरे भारत में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हाफिज जुनैद, गौर से सुनिएगा, हाफिज जुनैद रेलगाड़ी में एक बोगी के अंदर सफर कर रहा था। मुसलमान था, हाफिज जुनैद था। पूरी बोगी के अंदर लोग तो रहे होंगे, कैसा नहीं कि लोग नहीं रहे होंगे भाई, कम से कम 72 लोग तो रहे होंगे, लोग तो होंगे। अकेला एक हाफिज जुनैद पूरी बोगी ने मिलकर उसको मार डाला, लेकिन बोगी वाले देखते रह गए, बचा नहीं सके। सलीम शेख ने अपनी जान पर खेलकर 50 यात्रियों को बचाया है। यूनुस नामी नौजवान ने अपनी जान पर खेलकर एक हिंदू औरत को बचाया है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने भारत को बनाना है, समाज को बनाना है, सब कुछ हटा के फर्ज अपना निभाइए, निभाते रहिए, सबकी मदद के लिए आगे बढ़िए। अगर हम मुसलमान आगे नहीं बढ़ेंगे तो दूसरी ताकत आगे बढ़ेगी। वो तो सिर्फ फोटो खींच रहे हैं। अरे भाई, अलीमुद्दीन अंसारी को, अलीमुद्दीन अंसारी को भीड़ ने मार डाला। एक जानवर मां के नाम पर इंसान को मार डाला, क्या कहना। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, मैं तो हाई कोर्ट को सलूट करता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी सलूट है, सबको सलूट है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंसाफ जिंदा है। अपने यहाँ काले हिरन की कीमत है। काला हिरन मरा आदमी जेल में, और जानवर के बदले इंसान को मार डाला। काश ऐसा हो जाए कि भैया वो भी जेल में चला जाए। अपने यहाँ जानवर की अहमियत है क्या, इंसान की अहमियत है क्या? अगर ऐसा हो जाए, इंसाफ नजर आ जाए, तो कितना अच्छा रहेगा। हम तो वफादारी का सबूत दे ही रहे, बस कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम यहीं के हैं, यहीं मरेंगे, दुनिया में यहीं से चले जाएंगे, कहीं और से नहीं आए। बाई च्वाइस इंडिया और कंट्री, बाई च्वाइस हमने च्वाइस करके उसको च्वाइस किया, ऐसा कोई मजबूरी नहीं। इसलिए हम तो कभी बताते नहीं। मौली साहब गिना रहे थे हम शांति वाले हैं, शांति वाले। रे भैया, किसको नहीं मालूम कि शांति वाले हैं, किसको नहीं मालूम। वरना सलीम शेख काहे को, सलीम शेख काहे को 50 आदमी को बचाता, वो भी मरवा देता। अल्हम्दुलिल्लाह, कई मरतबा हमने मिसालें दे दी है। जिनको समझना है समझे, ना समझना है ना समझे, समाज के सुधार के लिए कोशिश करना। तो आइए चलते हैं। इदरीसी साहब नजम सुना रहे थे बेटी के ऊपर। आहा, अच्छा, बेटी मरती काहे है? बोलिए। दान दहेज बढ़ गया है। आप में से कितने लोग हैं, अब ताली यहां ठुकवाइए, कितने लोग हैं जो दान दहेज नहीं लेंगे, हाथ उठाइए। ओ कैमरामैन कहां गया? चलिए सब कैमरा घुमाइए चारों तरफ, कैमरा चारों तरफ घूमेगा, कहां गए? ओ भाई, चलिए कैमरा चारों तरफ घुमाए। जब उठा लिया तो गिरना नहीं चाहिए भाई, जब उठा लिया तो उठा लिया। ये लोग सब दान दहेज नहीं लेंगे। बोलिए इंशाल्लाह दान दहेज नहीं लेंगे। बेटी को जो मारने का सिलसिला है ना, उसमें एक वजह यह भी है, नहीं लेंगे। बस रुक जाइए, चलिए नंबर दो, हम बारात नहीं जाएंगे, हम बारात नहीं जाएंगे। बोलिए ना भाई, नारा लगाइएगा, ताली उधर ठोकिएगा, हमारे यहां हाथ उठाना पड़ता भाई। हम बारात नहीं जाएंगे।
بس الحمدللہ ہو گیا بھائی محنت وصول. اب مولوی صاحب اپنی تقریر پانچ دس منٹ میں ختم کر دیں گے. آپ لوگ جب عمل کرنے والے ہو ہی گئے تو آپ زیادہ بولنے کی ضرورت کیا, کچھ زیادہ نہیں نا. سدھار کی ضرورت ہے میرے بھائیو, یہ ناروں اوروں سے کچھ نہیں ہوگا. نعرے تو بہت سارے بنے ہیں اور الٹے ہوتے جا رہے ہیں, جب تک ہم اور آپ اپنے گھر سے عمل شروع نہیں کریں گے نہیں ہوگا. مولوی صاحب کے پاس بھی بیٹا ہے, مولوی صاحب بول دیے انشاءاللہ نہیں لیں گے, بارات نہیں جائیں گے. یہاں بھی سب مولانا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی بولے بھیا ہم ایسا انشاءاللہ نہیں کریں گے. اب ایک بات اور بتا دوں, کچھ لوگ بولتے رہے مولوی صاحب خود ہی جب دان دہیج لیتے تو ہم کاہے نہ لے, ہے نا. اب رکیے گا, مولوی صاحب کی لمبی داڑھی ہے تو ہم کاہے نہ لمبی داڑھی رکھے. ارے مولوی صاحب کی لمبی داڑھی ہے تو ہم کاہے نہ لمبی داڑھی رکھے. مولوی صاحب پنج وقتا نمازی ہے تو ہم کاہے نہ نمازی ہو جائیں. مولوی صاحب بےمانی نہیں کرتے تو ہم کاہے کو شیطانی کریں. یہ دلیل کوئی نہیں دیتا. واہ بھائی واہ واہ بھائی. ارے ظاہری بھی تو لگنا چاہیے بھائی کہ مسلمان جا رہا ہے, ورنہ سلام کس کو کیجیے گا. اچھا ایک بات بتائیے, غصے میں مت آئیے گا. جنگل کا ببر شیر دیکھے ہیں, جنگل والا ببر شیر. ببر شیر کئی طریقے کا شیر ہوتا ہے. ایک شیر وہ ہے جس کے پاس بالے نہیں ہے, اور ایک شیر وہ ہے جو بال والا, وہ بھی لمبے بال والا. یہ دیکھا پورا منہ پر اور چہرے پر بال اور داڑھی اوڑی سب, اس شیر کو بولتے ببر شیر. ببر شیر اگر جنگل میں گھومتا رہے تو اس کے سامنے کوئی شیر آتا کیا؟ کوئی آتا؟ تو یہ ببر شیر داڑھی لے کے گھوم رہا ہے تو پریشانی نہیں ہے, اور یہ نوجوان جو سوسائٹی کا شیر ہے بغیر داڑھی چھلا کے گھوم رہا ہے. جنگل کے اندر جس کے پاس داڑھی نہیں وہ شیر ببر ہے, دوسرے اور شیر کو دیکھ لیے اس کے بعد دڑھیے نہیں ہے, تو کیا وہ مرد ہے یا عورت ہے؟ اب ہم نہیں بولیں گے, ہم کیا کو بولیں گے بھائی, اتنا سائنس تھوڑا نہ جانتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو ظاہری طور پر بھی لگنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. عمل کرنے کا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم حدیث نمبر 259, خالف المشرکین احف الشواری وعف اللحا. اوف اللحا, لوگوں مشرکوں کی مخالفت کرو, موچ کٹاؤ, داڑھی بڑھاؤ. پردھان منتری جی جو پرانے تھے اپنے منموہن سنگھ جی, چہرے پر داڑھی. ارے بھیا ہربھجن سنگھ جو ہے کرکٹ کھلاڑی ہے, چہرے پر داڑھی. اور آپ کو معلوم ہے ساؤتھ افریقہ کی کرکٹ ٹیم کے اندر جو ہے ایک نام ہے, اس نام کو کیا بولتے؟ ہاشم عاملہ, لمبی داڑھی. پھر اسی طرح انگلینڈ کی ٹیم میں معین علی, لمبی داڑھی. تو وہ لوگ کرکٹ کھیلتے, ہم زیادہ اچھے یا وہ لوگ زیادہ اچھے بھائی؟ ان کو اپنا نام نہیں چاہیے کیا؟ پھر بھی داڑھی لے کے کھیلتے, اور ان نوجوانوں کو کیا ہو گیا؟ داڑھی چھلا چھلا کے گھوم رہا ہے. کس نے کہا بھائی؟ ابھی جو پردھان منتری جی ہیں ان کے چہرے پر بھی داڑھی ہے, ہلکی ہی کیوں نہ ہو. دیکھیے پردھان منتری جی کو داڑھی سے محبت ہے, ہلکی ہی. لیکن ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منچ سے یہ اعلان کرتے لوگوں داڑھی بڑھاؤ, تو کوئی مائک لا لے جو یہ کہتے مولوی صاحب میں داڑھی نہیں بڑھاؤں گا, میں نہیں کروں گا, ایسا ہو سکتا کیا؟ میرے بھائیو ظاہری شکل و صورت بھی بنائیے. مرنے کے بعد ایک ہی سنت ہے جو ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی, اس سنت کا نام کیا ہے؟ داڑھی. تو اللہ سے داڑھی میں ملنا ہے یا بغیر داڑھی میں ملنا ہے؟ بولیے, داڑھی میں ملنا چاہتے ہیں نا بھائی. اس لیے عمل شروع کر دیجئے. کچھ ماں بہنوں کو دیکھ لیجئے بغیر پردہ کے گھوم رہی ہے, کچھ نہیں پردہ اور ویسے ہی گھوم رہی. کاہے گھوم رہی ہے بھائی؟ کاہے؟ تو اصل میں مرد لوگ اب بیکار ہو گئے. کیسے بیکار ہو گئے؟ ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک آدمی بھینس خرید کے لایا اور اس کے گھر پہ بیل بھی تھا, تو بھینس کو اس کی سہیلیوں نے کہا بہنی آپ جا رہی ہیں جن کے یہاں, تو جاتے ہی اپنا حق مانگنا اور یہ کہنا میں سب کام کروں گی. تو آ کر کہا بھینس نے, بھینسیا نے, میں سب کام کروں گی, دودھ بھی دوں گی اور کھیت بھی جوتوں گی. اب بیچارہ بیل کیا کرے, کیونکہ ایک ہی کام کے لیے بیچارہ تھا ہی, وہ تھا ہل جوتنا. تو اب جب وہ کام بھینس نے لے لیا تو اب بیچارہ کرے گا کیا بیل؟ تو بیل چپ چاپ دروازے پر بدھا ہوا ہے. بھینس دودھ بھی دیتی ہے, باہر بھی کام کر رہی ہے, اندر بھی کام کر رہی ہے, اور بیچاری نے اتنی پریشانی مول لے لی ہے کوئی حساب ہی نہیں. تالی مت ماری ہے, کہا کو تالی مار رہے بھائی, عمل کرنا ہے. غلط بولا خارون صاحب, صحیح ہے نا؟ اب بھینسیا بول رہی ہے کہ ہم سب کام کریں گے تو بیل کا کرے گا؟
मैं साइंसदानों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज एक इंजेक्शन ऐसा बना दीजिए कि मर्द भी ख्वाहिश करने लगे कि मेरे पेट में बच्चा पैदा हो जाए, क्योंकि एक ही चीज बच गया है। अच्छा, बतवा समझ में आ रही है? ठीक है, सही है ना भाई? सब काम अब एक ही काम बच गया ना। जब औरत सब काम करने लगी तो मर्द भी ख्वाहिश करे कि मैं भी पेट में बच्चा रखना चाहता हूं। क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इन बेचारी ने अपने ऊपर पूरी परेशानी मोल ले ली, पूरी परेशानी। मार्केट में उन्हीं का कब्जा है, चच्ची भाभी है ना कब्जा। अच्छा, सुधार की जरूरत है। अरे घर तो है, वो घर की मलिका है। औरत को कहां रहना चाहिए? घर के अंदर। घर के अंदर रह के पूरी हुकूमत चलाएगी, फिर भी शिकायत करती है मेरी तो चलती ही नहीं। अरे भाई, जब तक वो नहीं देखेगी बहू घर में आ सकती नहीं, वो देखते जाती है, बहू ला रहे। फिर अपने यहां देखिए बहुत सारे मसाइल पैदा होते जा रहे। इसलिए मेरे भाइयों, सुधार की जरूरत है। तो आइए घर में भी सुधार करें, बाहर भी सुधार करें, हर चीज में सुधार करें। घर के अंदर देखिए सास के साथ किसकी जोड़ी लगाएंगे भाई? बहु, सास बहू का झगड़ा, ननद भाभी का झगड़ा बहुत चल रहा है। फिर इसी तरह देवर और भाभी का मसला, साली और बहनोई का मसला, सब में सुधार की जरूरत है। साली को फटफटिया पर घुमाता है और अपनी जोरू को घुमाई भी नहीं करता है, सही है कि नहीं? रे अक्किल का टूर कहीं का, साली को फटफटिया पर घुमाता है, फिल्म दिखाने ले जाता है और अपनी जोरू को क्या करता है, एको मरतबा घुमाने नहीं ले जाता, सही है कि नहीं? साली पर घंटों बात कर रहा है, ही कहो आज का बना है खाने में, अच्छा ही आइटम बनाई होगी, कौन से कलर का कपड़ा पहनी हो। अरे काहे हम बात करेंगे भाई, कितने लोग ऐसे हैं अपनी जोरू को छोड़ दिया, साली को लेके भाग गया और शादी कर लिया, किया कि नहीं किया? फिर इसी तरह और भी मसला पैदा होता जा रहा है अपने यहाँ, देवर और भाभी का भी मसला। तो सास बहू का जो झगड़ा होता ना, तो उसमें बेचारा आदमी पिस जाता, क्योंकि वो सास बहू का क्या, अगर दान दहेज बहू कम लाई, मम्मी आज का बनेगा, अरे का बनेगा, तेरे बाबा ने कुछ दिया क्या, जा अपने बाबा से लेकर आ, चल भाग, क्या बनेगा पूछ रही है, मम्मी फला चीज की कमी है, क्या कमी है, जा अपने बाबा से लेकर आ, झगड़ा झगड़ा झगड़ा, एकदम रगड़ा बन गया है। आदमी करे तो क्या करे, इधर है तो माँ है, इधर है तो बीवी है, बेचारा आदमी बीच में पिस रहा है, करे तो क्या करे। माँ के साइड में बोला तो बीवी बोल दिया, अच्छा तो शादी काहे किए हैं आप। और अगर बीवी की तरफ कुछ हुआ, झुक गया, तो जोरू का गुलाम हो गया, बीवी का नुकर हो गया। तो मेरे भाइयों, सुधार की यहाँ जरूरत है। मम्मी को समझाइए, मम्मी आप तो पुराने जमाने की हो गई हैं, छोड़िए ना, का वो सब टेंशन पाले हुए हैं। फिर अपनी बीवी को बोलिए, देख मैं अपनी मम्मी के सामने तुझे जरा डांटूंगा गुस्से में, ए फलाने की मम्मी देख, अगर मेरी मम्मी को तकलीफ देगी ना, तो तेरा भी बेटा और तेरी भी बहू तुझे तकलीफ देगी, प्लीज जरा मान लेना है। तो पहले से जरा अपनी कनिया को, अपनी बीवी को समझा के रखिए, तो घर का माहौल अच्छा बना रहेगा, टेंशन नहीं होगा। अपने यहां मसाइल पैदा हो रहे हैं, ये शादी जो नहीं हो रहे ना भाई, खानदानी लड़ाई भी वो चल रही है। वो शेख हैं तो वो सैयद हैं, तो वो पठान हैं, तो वो खान हैं, तो वो अंसारी हैं, तो वो जुल्हा हैं, तो वो हज्जाम हैं। कुरान ने कहा ऐसा करने को, अरे कोई बोलियो नहीं रहा है, कुरान ने कहा ऐसा करने को, इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13, तुम लोगों में से अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हो। ये जातवाद कहां से लेकर आए भाई, वजा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ओहो का हो गया है, एक क्यों नहीं है, अल्लाह एक है कि नहीं भाई, कुरान एक है कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है कि नहीं, हम और आप अनेक क्यों हैं? अरे शादी की जाती है, हदीस के अंदर क्या आया, सही बुखारी किताब उन्निका किताब नंबर 67 हदीस नंबर 5090, तुन कहुल मरअतु लिअरबईन, लिमालिहा वलि हसबिहा वलि जमालिहा वलि दीनिहा फस्फर बिजाति दीन तरबत यदाक, औरतों से निकाह किया जाता है चार बुनियाद पर, मालदार है, खानदान वाली है, खूबसूरत है, दीनदार है, दीनदार चौथे नंबर पर है, दीनदार चौथे नंबर पर, जबकि दीन को पहले नंबर पर होना चाहिए था, लेकिन हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंबर चार पर इसलिए रखा कि हम और आप पहले पैसा देखते हैं,
अभी जल्द ही एक जगह शादी होने वाली है, 10 लाख रुपया वो पुलिस ऑफिसर है वो ले रहा है, 10 लाख रुपया। कितने लाख रुपया भाई? 10 लाख रुपया। और एक बात और सुन लीजिएगा, हो सकता है कि बुरा लगे तो वापस कर दीजिएगा। पुलिस ऑफिसर है तो 10 लाख, इंजीनियर है तो, इंजीनियर है तो, लड़का इंजीनियर है तो 5 लाख, और अगर डॉक्टर है तो सही, और मौली साहब है तो कुछो नहीं। दो बोल रहे कुछो नहीं, मौली साहब है तो कुछ नहीं है, कैसे होगा भाई? पुलिस ऑफिसर 10 लाख, डॉक्टर साहब और लाख, इंजीनियर साहब और लाख, और लड़का अगर मौलवी है तो फ्री में। इसलिए तो लोग अपने बच्चों को मौलवी नहीं बना रहे। दीनदार औरत से शादी करने का, दीनदार बहुत सारी दीनदार है, नहीं शादी कर रहे, दूसरे के साथ भाग जा रही है। कलमा पढ़ने वाले ने दूसरे के साथ भाग रही है, कौन जिम्मेदार है भाई? ये हमारा जातवाद सब जिम्मेदार है। कब्र में पूछा जाएगा, ओ शेख साहब इधर आइए, ओ अंसारी भाई इधर आइए, पूछा जाएगा? काहे को लड़ते हैं भाई? हमारा कलमा जब एक है, सब कुछ है, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अंसारी भाई का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शेख भाई का कलमा क्या है भाई? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खान भाई का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा बदली तो हुआ ही नहीं, तो हमारा आप काहे बदली हो गए? है कि नहीं? सुधार की जरूरत है कि नहीं मेरे भाइयों? इसलिए हमें और आपको सुधारना होगा। ताली ठोकने से कुछ नहीं होता, नारा लगाने से कुछ नहीं होता, अमल करना जरूरी है। चलिए, नमाज में हम और आप बहुत पीछे हैं। चलिए मुतवल्ली साहब ऐलान कर दें, फजर में जितने लोग आएंगे सबको 500-500 रुपया मिलेगा। आज मैं नमाज पढ़ा आपकी मस्जिद में, बुजुर्ग हजरात से मस्जिद फुल थी, वो भी शायद बाहर के मेहमान आए होंगे, नौजवान तो कोई नजर ही नहीं आ रहा था। अरे नौजवान गेम खेलेगा, मोबाइल फोन में लगा रहेगा, उसमें टिप टाप करेगा, सेटिंग करेगा कि नमाज पढ़ेगा? है चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 500 रुपया मिले फजर की नमाज में, मस्जिद में जगह मिलेगी। नहीं समझ में आई बात? देखिए फिर समझा देते हैं। किसी के पास एगो बेटा है तो एगो बेटा को लेकर गया तो कितना पैसा मिलेगा? 1000 रुपया। मन कर रहा है कि 5 गो बेटा रहता, 5ों को फजर में ले जाते तो कितना पैसा मिलता? ठीक है, कितना अलार्म लगा के रखेगा? अलार्म नंबर 1, अलार्म नंबर 2, अलार्म नंबर 3, और बीवी को भी बोलेगा ए फलाने की अम्मी जगा देना, फजर में पैसा मिलने वाला है, और अल्लाह ताला जन्नत देने को तैयार है। तो क्या हम और आप जन्नत लेने को तैयार हैं? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? अरे जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपया। पैसा बोलता है, सलाम अलैकुम चाचा भैया, सलाम अलैकुम, ये मैंने बोल रहा हूं, पैसा बोल, आपका पैसा बोल रहा है इसलिए मैंने आपको सलाम कर दिया। सामने आते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं, हाय मौसम की तरह लोग बदल जाते हैं। पैसवा रहेगा तब ना सलामी मिलेगी, वरना गुलामी मिलती है। चलिए, न बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? बिल गेट्स, अंबानी, अदानी, प्रेम जी, नहीं सही मुस्लिम, किताबुल मसाजिद हदीस नंबर 527, रकअतल फजर खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, जिसने फजर के वक्त की 2 रकअत सुन्नत पढ़ ली उसके पास पूरी दुनिया और पूरी दुनिया में जितना सामान है उससे बेहतर है। कौन सबसे बड़ा पैसे वाला हुआ? जो फजर की 2 रकअत सुन्नत पढ़ता। अब का फजर तक तकरीर चली, पूरी रात तकरीर सुने, फजर की नमाज पढ़े बगैर सो गए, फायदा क्या पूरी रात तकरीर सुनने का? ऐसा ऐसा जलसा करने का नहीं जहां फजर की नमाज छूट जाए, और ऐसा जलसा करवाने वाले भी नहीं होना चाहिए जो खुद पहले अमल ना करे। क्लियर बात है भाई, अमल अपने से शुरू कीजिए तो होगा, बदलाव अपने से लाइए तो होगा, वरना कुछ नहीं होगा। खोखले नारों से क्या होता मेरे भाइयों? कुछ नहीं होता। इसलिए मेक इन इंडिया बनिए, रेप इन इंडिया में से मत बनिए। चलिए आखिरी बात बोल के मैं आपसे रुखसत हूंगा। अपने समाज में जलन भी बहुत ज्यादा है, बढ़ गया। हाँ घर बना लिया, कहीं से लाया होगा, 2 गो गाड़ी हो गई, कैसा अक्खा लड़का। अरे काहे को जलने का भाई? सीने को कीने से साफ कर लीजिए, अल्लाह आपको भी दे देंगे।
अरे ऊपर वाले के यहाँ कोई चीज की कमी है, बोलिए नीचे वाले के यहाँ कमी है। नीचे वाले से एक मरतबा भैया जरा कर्जा दीजिएगा, भैया जरा कर्जा दीजिएगा, दो मरतबा का तीस, अरे बार बार चलाता, कहाँ हाथ पकड़ा दिए, पूरा पूरा बदने पकड़ लेता, अरे चल भाग। दो मरतबा तीन मरतबा मांगने से नाराज हो जाएगा, ऊपर वाला ना मांगने से नाराज होता कि हमसे काहे नहीं मांगता। अल्लाह वह ऊपर वाले से मांगिए सबको देते। यह आखिरी हदीस है, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 12697। यतलु अलैकुम लान रजुलुन मिन अहलिल जन्ना, लोगों देखो जन्नती आ रहे हैं। एक सहाबी आए, वजू बनाए हुए थे, हाथ में जूता या चप्पल था, अंदर लेकर आए। इस हदीस से यह पता चलता है जूता चप्पल का रेक मस्जिद के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर गेट पर नाका जूता और नाका नई चप्पल उतारिएगा तो कितने चोर लोग भी आते हैं, तो आपका गायबे कर देगा, और जब गायब कर देगा तो नमाज में मजा आएगा, मन वहीं लगा रहेगा, कोई लेके भाग तो नहीं गया, कोई लेके भाग तो नहीं गया, कोई लेके भाग तो नहीं गया, ये मसला चल रहा है। इसलिए जूते चप्पल का रेक मस्जिद के अंदर होना चाहिए, तभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आ रहे हैं तो वो जूते से पानी गिर रहा है। दूसरे दिन भी कहा जन्नती आ रहे हैं, तीसरे दिन भी कहा जन्नती आ रहे हैं, वही सहाबी आए तो अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा पता लगाता हूँ ये जन्नती हैं। कैसे जन्नती हैं? आज तक कोई भी मौलवी साहब से नहीं पूछा मौलवी साहब कोई ऐसा काम बता दीजिए मैं जन्नत में चला जाऊँ, लेकिन लोग ये दुआ जरूर कराते हैं मौलवी साहब कारोबार ठप हो गया जरा अच्छा हो जाता, मौलवी साहब कारोबार ठप हो गया जरा उड़ जाता, जरा दुआ कर दीजिए। आहा, जन्नत में जाने की दुआ कहाँ, तो सहाबे कराम में ये फिक्र। तो गए तीन दिन मेहमान रहे, आप तो जन्नती हैं, आप तो जन्नती हैं, आप तो जन्नती हैं, तीन रात रहे तो भाई रात में उठ के नमाज पढ़ ही ना रहे कैसे जन्नती है। तीन रात हो गया, गए भैया अब हम चले, आपके यहाँ तीन दिन रहा आप जन्नती हैं लेकिन कुछ है ही नहीं, रात में नमाजें नहीं पढ़ रहे। तो उन्होंने कहा भैया सुन लीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जन्नती कहा है, मैं अपने सीने में किसी भी मुसलमान के खिलाफ अल्लाह जो भी नेमत देते मैं कीना नहीं रखता। कितने लोग ऐसे, अरे ये पेपर में मेरा नाम काहे नहीं आया, अरे नाम के लिए मरेगा कि काम के लिए मरेगा, फोटो खिंचाने के लिए तीन तीन बार फोटो खिंचाता है ताकि पता चलना चाहिए कि मैंने काम कराया, अरे अल्लाह के रजिस्टर में लिखाएगा या अखबार के रजिस्टर में लिखाएगा, कभी भी जलने का नहीं किसी से, जो भी नेमत मिले मैं जलता नहीं। साहबी ने कहा हाज हिल्लती बलगत भी वही अल्लती लानतीक, मेरे भाई यही तो खूबी है जो आपके अंदर है मेरे अंदर नहीं है। अल्लाह हम सब के कीने को अल्लाह ताला हम सब के सीने को कीने से साफ कर दे। जोर से बोलिए आमीन। जिन लोगों ने यह मजलिस सजाई है अल्लाह उनके मीज़ान हसनात में जगह दे दे। मैं आप तमाम हजरात के शुक्रिया के साथ रुख्सत होता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। देखिए मेरी उर्दू है ख़राब, इसलिए ज़रा मैं इधर उधर बोल गया, कुछ बातें कुरान और हदीस की रोशनी में बोला हूँ। अल्लाह की तौफीक से अगर एक आदमी के दिल में भी मेरी बात उतर गई तो अल्हम्दुलिल्लाह काम बन गया। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।